एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का लव नेचर यूट्यूब ब्लॉग्स में। तो आज अभी न्यू ईयर के दिन में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, शायद अपलोड करने में एक दिन लेट हो जाए। तो आज हम लोग अभी ऐसे घर पे बैठे हुए थे, ये मेरे पीछे मेरे दोनों भाई लोग अभी जा रहे हैं चीड़ का फल निकालने के लिए, जिसको यहाँ पे छिंती बोला जाता है और शायद कई लोग इसको चिलगोजा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ है आगे चीड़ का, वैसे चीड़ का जंगल काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे एक पेड़ है। तो इसमें जो फल लगते हैं उसको हम लोग निकालने वाले हैं, और उसमें बीज होते हैं जिसको पाइन नट कहा जाता है। ये जो चिलगोजा का बीज है या जो चीड़ का फल है उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं तो वो काफ़ी पौष्टिक होते हैं और जिनको पाइन नट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग आज पाइन नट निकालने वाले हैं, और जो पाइन फ्रूट है पहले उसको हार्वेस्ट करेंगे, और अभी देखते हैं कि भाई किस तरीके से उसको निकाला जाता है और किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है। तो मैं अभी वीडियो, तो ये भाई है मेरा, तो वो शुरू हो चुके हैं अभी निकालने के लिए। एक बांस का डंडा पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से एक बांस के डंडे से इनको निकाल रहे हैं। वहाँ पे कुछ फल लगे हुए तो इनको निकाल रहे हैं अभी। तो ये ऊपर लगे हुए हैं पाइन फ्रूट, तो इसको बांस के डंडे से झाड़ने की कोशिश कर रहा है मेरा छोटा भाई। चीड़ का पेड़, हम लोग इसको कोले बोलते हैं, और ये जो चीड़ का फल है इसको बोला जाता है छिंती। तो इसको डंडों की मदद से पीठ के नीचे निकाला जाएगा। तो ये है पाइन फ्रूट, कुछ इस तरीके का दिखता है, और अभी घर में ले जा करके इसे ही ओपन करके इसके अंदर से जो सीड निकलते हैं उनको खाया जाता है। तो अभी पेड़ में जाके मैंने कुछ और पाइन फ्रूट निकाले, क्योंकि यहाँ नीचे से दो चार ही निकले थे जब हमने डंडे से झाड़ने की कोशिश करी थी। तो एक यहाँ फंस गया है, ईशांत निकालने की कोशिश कर। तो अभी ये कलेक्ट करते हैं और इनको लेके चलते हैं घर पे, और किस तरीके से इसको फिर प्रोसेस किया जाता है वो आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कट्टे में हमने ये सारे पाइन फ्रूट उठा दिए हैं अभी, तो बाकी ये जो नीचे गिरे हैं ये वाले इनको भी निकालते हैं, कट्टे में रखते हैं। तो ये सारे उठा लिए अभी और इनको लेके चलते हैं घर।
तो आग जल चुकी है और इनको अभी आग के ऊपर रखेंगे। तो अब इनको तब तक पकाएंगे जब तक इनकी जो ये कैपिंग है ये खुल ना जाए, और जब ये खुल जाएगी उसके बाद इनको ठंडा करके फिर निकाला जाएगा। तो अब 5 मिनट के बाद जब ये बाहर बाहर का जल जाएगा तो इस तरीके से जो आपका पाइन फ्रूट है वो खुलने लगेगा। तो इसको 5 मिनट और पकाना है इसमें, तब तक जब तक ये इस तरीके से खुल ना जाए। आग से निकालने के बाद जब आपका ये पाइन फ्रूट है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब आपको इसकी हर एक पंखुड़ी को इस तरीके से खोलना है, और हर पंखुड़ी के बीच में आपको दो जो पाइन नट हैं यानी जो चीड़ के बीज हैं वो देखने को मिलेंगे, तो आपको उनको अलग कर देना है। तो अब ये सारे बीज हमने चीड़ के फल से अलग कर लिए हैं। तो ये सब करने के बाद आप देखोगे कि जो चीड़ के बीज हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। अब इनमें जो पंखुड़ियाँ होती है उनको निकालने के लिए आपको दोनों हाथों से इस तरीके से उसको हाथों के बीच रगड़ना पड़ता है, और उससे ये जो पंखुड़ियाँ हैं अगल बगल वो हट जाती हैं और आपके जो प्योर चीड़ के बीज हैं वो आपको मिलते हैं। एक्चुअली ये जो पंखुड़ी है इसका भी प्रकृति में अपना एक महत्व है, क्योंकि ये जो बीज होता है इसको एक जगह से दूसरी जगह फैलाने में ये पंखुड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसी पंखुड़ी की मदद से जो ये बीज है वो दूर दूर तक उड़ पाता है और नए क्षेत्रों में अपनी पैदावार बना पाता है, अपने नए पौधे को जन्म दे पाता है। तो ये है आपका फाइनल पाइन नट। अब इसको इसी तरीके से भी खाया जाता है, या तो फिर बादाम की तरह इसके बाहर का जो सेल होता है, जो इसकी लेयर होती है उसको हटा करके, और अंदर जो गिरी होती है उसको सेपरेट करके भी खाया जाता है।